दशकों तक उपेक्षा और गंदगी का पर्याय बन रहा गोड़धोया नाला स्वच्छता जल निकासी की सुविधा और सौंदर्य का प्रतिमान बने, हमारी कोशिश अब इस दिशा में होनी चाहिए। नाले की तल्लीझार सफाई, दोनों तरफ सड़क निर्माण और पौधारोपण का काम करवाने के साथ ही अधिकारी नागरिकों को इस बात के लिए भी जागरूक करें कि नाले में कूड़ा ना फेंका जाए। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार अपराह्न गोड़धोया नाला के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही। चार फाटक ओवरब्रिज के समीप बिछिया मोहल्ले में गोड़धोया नाले का अवलोकन व यहां चल रहे सफाई कार्य का जायजा लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस नाले के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट महानगरवासियों के लिए कई माने में महत्वपूर्ण है। नाले के कायाकल्प के बाद महानगर में 50% आबादी की जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा, साथ ही यह शहर के खूबसूरत स्थलों में भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि नाले के दोनों तरफ पक्की सड़क बनाई जाए और सड़कों के किनारे पर्याप्त पौधारोपण कराया जाए। सीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि नाले के दोनों किनारे बोल्डर पिचिंग कराएं ताकि बरसात में पानी का फ्लो अधिक होने पर कटान ना होने पाए। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए कुछ स्थानों पर जालियां भी लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे आवश्यक है कि हम नागरिकों को भी लगातार जागरूक करते रहें कि वह अपने घरों का कूड़ा नाले में ना फेंके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाले के दोनों तरफ 7-7 मीटर की पक्की सड़क बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस नाले का कायाकल्प 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोड़धोया नाला का रूट मैप भी देखा और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने बताया कि 9 किलोमीटर की लंबाई वाले इस नाले की 6 पोकलेन मशीनों से सफाई कराई जा रही है। काफी कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्यों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नगर आयुक्त व अन्य अधिकारियों से जानकारी लेने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि नाले के अंतिम छोर पर जहां वह रामगढ़ ताल में मिलता है, वहां एक छोटा तालाब भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नाले के अंतिम छोर पर ही बच्चों व युवाओं के मनोरंजन के लिए वाटर स्पोर्ट्स बॉडी भी बनाने की दिशा में काम करें। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा आदि मौजूद रहे। गोड़धोया नाले के निरीक्षण के अवसर पर मुख्यमंत्री की नजर नागरिकों व बच्चों के समूह पर पड़ गई। निरीक्षण करते हुए वह नाले पर बने पुल के दूसरी तरफ पहुंचे और नागरिकों से संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना। वहां मौजूद 2-3 बच्चों से उन्होंने उनका नाम पूछा और सवाल किया, स्कूल जाते हो या नहीं। एक बच्चे ने उन्हें बताया कि स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। उसने भावुकतापूर्ण अंदाज में यह कहा, महाराज जी हमारा मकान नहीं है। सीएम योगी बेहद संजीदा हो गए और बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, चिंता मत करो, हम मकान भी बनवाएंगे और स्कूल जाने का इंतजाम भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद स्थानीय पार्षद को उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ये वाला जगह है यही है, यहाँ से इतना भूखा नाला है। सर किनारे थोड़ा आप हट जाइए, आप हट जाइए। ये नाला चल रहा है, कल एक बार सुन हमारा रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल जो ये हमने सर जो होता है कौन है यहाँ का
पार्षद खड़े, पार्षद जी आइए भाई, हम यहाँ पे चल रहे हैं सफाई करते हुए सर। जी सर, फिर यहाँ से जो हम चले सर हैं ये सर, यहाँ पर हमारा जो छावनी फिर यहाँ से हम चलते हुए ऐसे आ रहे हैं सर, ये तीसरी हमारी पोखरण मशीन यहाँ पे लगी हुई है, ये बिछियापुर में जहाँ पे हम खड़े हैं सर। फिर सर जब इससे आगे चलेंगे तो PHC वाली बिछिया है सर वहाँ से, फिर मैत्रीपुरम सर जेल फाइव पास इस समय यहाँ पे ये यहाँ पे है ना सर, नदी बड़ी वाली सर, और फिर हम जेल बाईपास कहाँ तक आ गए हैं हम सर? हम लोग सर इस पर चल रहे हैं सीवापुर वाला है, ये आ रहा है यहाँ तक सर। ये सर जो हरा वाला प्रांत है सर, हम बिहार में लिखा हुआ है पोखरण यहाँ तक पूर्ण हो चुका है, ये अभी बाकी बीच में सर कुछ पोर्शन जो ऐसा है सर जिसमें कि हमको मजबूत के द्वारा काम, क्योंकि वहाँ पोखरण मजदूर नहीं जा पाती सर, तो हम मैनुअली काम करा रहे हैं। छः पोखरे मशीन लगाई है जो कि बाहर से मंगाई है। और कितना किलोमीटर है ये? ये सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर, तो ये 9 किलोमीटर आपको फिर नाला बनाएंगे इस पे सर, नाला के दोनों तरफ सड़क दे देंगे। सड़क किलोमीटर भी आप देखेंगे सर, 20 मीटर सड़क पहले से सफाई भी हो जाएगी लोगों का, आवागमन हो जाएगा, रिवर फ्रंट टाइप रिवर फ्रंट रिवर आइडियल डेवलप हो जाएगा सर। अच्छा इसमें सर क्या भाई पंडित जी क्या चाल है? अरे तो भाई कहीं छोड़ रहे हैं आने जाने सर, देखते हैं छोटा कितने हो रहा है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो आप ये पूरा जो हमने आपसे कहा था सर, ये पूरा भरा हुआ था वो वाला पूरा भरा, बस बीच में खाली था, दोनों एकदम रात से पूरे लगा लगते थे पूरा इशू था वहाँ मोटर से पीछे को रखे साथ ही देखने का यहाँ ऐसे भी पुराने जैसे इसी तरह पूरा आसी सी था बन जाएगा, पीछे लाइनिंग भी बन जाएगा लेके चल रहे इसी पे सब वो बनी है। काफ़ी है और काफ़ी एरिया है, ज़्यादातर जगह हमने ऐसा पुलिस भाई हर बार अनिल भाई अरे मेरे भैया तो इसी प्रकार से प्लास्टिक कूड़ा खाने में सिर नहीं रहा है, और कुछ एक पानी की तरीके से करना कि अरे ये मरवा इन करा लोगों ने गवर्नमेंट स्वच्छता के लिए भी लोग आने में सीधे फॉलो करें, इस तरह सड़क पर हम लोग लैंडस्केपिंग भी करेंगे तो डर बता सब रहे हैं। अब जोड़ेंगे इस माने में पानी आ सके उसके लिए कमिटिंग नहीं होगा है, और चाहते हैं कि गोरखपुर में जो जलवायु की समस्या होती है वो स्कीम हो और इसी के सुदृढ़ीकरण इसी के चलीकरण और इसी के फलीदार सफाई कामयाबी इसके एक तरफ सड़क बनाई जाएगी, इससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। पीछे जाते हो देखिए बचा चलिएगा अभिनव जी पीछे बहुत अच्छा
अभी सफाई हो रहा है राजीव थोड़ा पूछे कूड़ा ना गिरे आगे से इस बात को ध्यान रखना चाहिए। डस्टबिन पुल के किनारे किनारे रखना पड़ेगा, सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। वृक्षारोपण हो जाएगा और साथ में इसको पक्का बनवा देंगे तो थोड़ा ये हो जाएगा, अच्छा होगा। बड़े बड़े डस्टबिन निकासी भी अंतर हो गया। अभी डोर टू डोर टेंडर भी हो गए और उसका चार पांच बड़ी कंपनियां भी उसमें आई हैं। और ठीक है, रेलवे का काम अपना को सारे, लेकिन आप लोग अपना काम करें, साफ सफाई की भी होता है। अभी अंतिम निकासी है, इधर ब्लैकफोन नहीं मारे वहाँ पे। जब दूरी खींच रेलवे लाइन के बाद सर, रेलवे लाइन के बाद और आर के बी के बीच का जो पोर्शन में एक छोटा पॉन्ड बन सकता है सर, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। उसमें जल कुंभी निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, एक प्लानिंग हो जाए उसकी एक कम से कम अच्छा सकता हो तो और प्लानिंग उसकी की जा सकती है। इसको क्या करेंगे सबका तला दिखाएंगे आगे वाला चलना होगा, आगे वाला जो बनने पर बड़ा हो गया तो कहीं तालाब भरने के लिए भी निकासी कहीं करना है, लगा के कुटाई करना है। क्या है बताइए कहाँ लड़का है, लेके आओ लेके आओ महाराज जी, पूरा उधर उधर इधर है मिलके कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं? मुझा को लेकर विवाद तो नहीं हो रहा दोनों अभी नास्तिक हो गए मार्च से गोड़दैया नाले की तलीझाड़ सफाई का कार्य चल रहा है और इस नाले की सफाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। इसमें लगभग 19 जो है बड़ी गाड़ियां लगाई गई हैं, जिसमें पोकलेन, बड़ी पोकलेन, छोटी पोकलेन, हाईवा, जेसीबी आदि लगाई गई हैं। तो इसमें जो 9 किलोमीटर इसकी की लंबाई है, पूरी तलीझाड़ सफाई का काम जो 70% पूरा हो चुका है, 3% काम और अभी बचा हुआ है। इसमें हम लोगों ने जहां मैन्युअली करा रहे हैं, जहां मशीन से करवा रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जो कि
बंडा के प्लांट्स हैं, जलकुंभी हैं, उनको हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ के पार्षद जी हमारे हैं और उनकी जो टीम है मल्लाह साथियों की, उनकी 10 से ऊपर नावों को हमने लगा रखा है और उसके माध्यम से निकलवा कर पोकलैन मशीन से हाईवा के माध्यम से इसको हम लोग अकेला बंदा भिजवा रहे हैं। निश्चित रूप से जो पिछली बार वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें इस नाले में जो पानी था पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा था और इसी वजह से ओवरफ्लो हुआ और पानी आसपास के मोहल्लों में भर गया। इसकी सफाई जल तली झाड़ सफाई हो जाने ये कम से कम 25-30 वार्डों को फायदा पहुंचेगा और निश्चित रूप से इस बार जो है पानी लगने की जो समस्या है वो नहीं होगी। महाराज जी ने गुड़धुरिया नाले का निरीक्षण किया है और 1,000 करोड़ का बजट है, नाला बनेगा और दोनों तरफ सड़कें बनेगी, ये गोरखपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और इससे शहर के वाटर लॉकिंग की समस्या शीघ्र ही दूर होने वाली है। महाराज जी के संज्ञान में जैसे ही आया इन्होंने इससे स्वीकृति करा दी है, टेंडर हो गया और जल्दी इस प्रकार क्रम शुरू होगा और गोरखपुर वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।